हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के वीडियो 52 में। वेल फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर थानोस द मैड टाइटन और डूम्सडे एक क्रिप्टोनियल क्रिएचर के बीच में फाइट हो। कौन जीतेगा, दोनों की क्या वीकनेस है, किसके पास ऐसी एबिलिटी है जो उसे बुरे से बुरे सिचुएशन में उसे बचा ले, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, लेट्स बिगिन। थानोस एक गॉड लेवल का बींग है जो टाइटन प्लेनेट से बिलोंग करता है। कॉमिक्स और एमसीयू के थानोस में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ ओरिजिन ही नहीं बल्कि उनके पावर्स में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन इस वीडियो में हम कॉमिक्स वाले थानोस की बात करेंगे। थानोस सैटर्न के मून टाइटन पर पैदा हुआ था। उसके माँ बाप इटर्नल्स रेस के थे और वो खुद भी एक डेविएंट जीन के साथ पैदा हुआ था। डेविएंट जीन भी एक्स जीन की तरह ही अलग जेनेटिक डीएनए है जिसे सेलेस्टियल्स ने काफी पहले क्रिएट किया था। इसी डेविएंट जीन की वजह से थानोस की बॉडी नॉर्मल टाइटेनियन से काफी बड़ी थी। थानोस की बॉडी पर्पल होने का भी यही रीजन है। जैसे ही थानोस की माँ ने उसे पहली बार देखा तो उसने तुरंत ही डिसाइड कर लिया वो थानोस को मार डालेगी, क्योंकि थानोस की माँ को ये फीलिंग आई कि ये अजीब सा दिखने वाला बच्चा कल को पूरी यूनिवर्स को खत्म करने का रीजन बनेगा। लेकिन थानोस के पिता ने उसकी माँ को रोक लिया। जब तक थानोस स्कूल लाइफ में था तब तक वो एक पीस लविंग बींग था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे ये रियलाइज होने लगा कि उसे ब्लड लस्ट कितना ज्यादा पसंद है। अपने एडल्ट होने के बाद उसने काफी कुछ किया और फिर वो मिस्टर डेथ से मिला। डेथ को अपना लव प्रूफ करने के लिए उसने इन्फिनिटी जेम्स को इकट्ठा किया। गाइस, हम आपको यहाँ बता दें कि कॉमिक्स में इन्फिनिटी जेम्स थे ना कि इन्फिनिटी स्टोन्स, और एक इन्फिनिटी गंटलेट भी बनाया ताकि वो सारे जेम्स की पावर को यूज कर पाए। इन्फिनिटी गंटलेट पहन लेने के बाद वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन गया जिसकी वजह से उसने पूरी दुनिया से आधे लोग को गायब कर दिया। बाद में हीरोज ने मिलकर थानोस से फाइट किया और पूरे वर्ल्ड को बचा लिया। अब हम बात करते हैं डूम्सडे के बारे में। डूम्सडे एक एंशियंट बीइंग है जो क्रिप्टॉन प्लैनेट के स्टार्टिंग टाइम पर बनाया गया था। उसका क्रिएटर कोई एक अननोन एलियन था जिसे एक अल्टीमेट लिविंग बींग बनाना था। अपने इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने एक बेबी को क्रिप्टॉन के सरफेस पर छोड़ दिया। उस टाइम में क्रिप्टॉन पर काफी डेंजरस एनिमल्स रहते थे, जैसे अपने अर्थ पर डायनासोर्स। उन एनिमल्स ने तुरंत उस बेबी को मार डाला। उस बेबी के डेड बॉडी का जो भी पार्ट बचा हुआ था उससे दोबारा उस बेबी को जेनेटिकली कम्बाइन करके पहले से स्ट्रॉन्ग बनाया गया। उस एलियन ने ऐसा कई बार किया, बार बार बेबी मरता और फिर उसे दोबारा जेनेटिकली बना देता ताकि वो बेबी जल्दी से इवॉल्व हो जाए। उस एलियन साइंटिस्ट ने काफी डिकेड्स तक इस प्रोसेस को किया और डूम्सडे हजारों बार मारा गया। उसके सारे डेथ की मेमोरी उसके डीएनए में रिकॉर्ड होती गई, जिसकी वजह से डूम्सडे लाइफ और हर लिविंग बीइंग से हिट करने लगा। इवेंचुअली डूम्सडे ऐसा इवॉल्व हुआ कि डूम्सडे उस चीज से इम्यून हो गया जिसने उसे पिछली बार मारा था। ऐसा होने पर उसने उस क्रिप्टॉन पर उन एनिमल्स और उस साइंटिस्ट को खत्म कर दिया। डेथ ऑफ सुपरमैन स्टोरी लाइन में डूम्सडे ने सुपरमैन से फाइट किया और दोनों ने ही एक दूसरे को मार डाला था। ऐसा होने पर डूम्सडे सुपरमैन के सारे एबिलिटीज से इम्यून हो गया। अब हम बात करते हैं दोनों कैरेक्टर्स के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। अगर हम बात करें थानोस की तो थानोस मोस्ट पावरफुल टाइटेनियन इंटरनल है। वो एक सुपर ह्यूमन म्यूटेंट है जिसकी बड़ी सी बॉडी जन्म से ही कॉस्मिक एनर्जी को सिंथेसाइज कर सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए। थानोस ने टेक्नोलॉजी और मैजिक का यूज करके अपने पावर्स को काफी एम्पलीफाई भी किया है। थानोस की स्ट्रेंथ की लिमिट अभी तक कॉमिक्स में डिफाइन नहीं की गई है। उसने मैड थॉर, हल्क, गैलेक्टस और बिटर एबल जैसे बींग्स को आराम से डिफीट किया है। यहाँ तक कि थॉर के पास पावर स्टोन होते हुए भी वो थानोस से हार गया। अगर हम बात करें थानोस की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, उस पर किसी भी फिजिकल अटैक का कोई असर नहीं होता। वो बाकी के इटर्नल से भी ज्यादा ड्यूरेबल है। इसके बाद डेथ ने भी उसकी ड्यूरेबिलिटी को काफी इंक्रीज किया है और उसे ऑलमोस्ट किसी भी कॉस्मिक अटैक से इनवल्नरेबल कर दिया है। उसने सामने से सिल्वर सर्फर के ब्लास्ट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने पावर स्टोन होल्डर थॉर से सिर्फ खड़े रहकर पंचेस खाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उसके नाक से खून आया। ओडिन और गैलेक्टस भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। यहाँ तक कि ब्लैक बोल्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन ह्यूमन, जिसके चिल्लाने से पूरी गैलेक्सी खत्म हो सकती है, उसके सामने भी थानोस टिका रहा। तो अब आप थानोस की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। थानोस एनर्जी को ऐसे मैनिपुलेट कर सकता है कि उसने गैलेक्टस को भी जमीन पर गिरा दिया था। इसके अलावा वो काफी तेजी से हील कर सकता है, लेकिन वो वुल्वरीन की तरह अपने ऑर्गन्स को रिजेनरेट नहीं कर सकता। इन सब के अलावा वो मैजिकल एबिलिटीज भी यूज कर सकता है। अगर हम बात करें थानोस के एबिलिटीज की तो थानोस एक सुपर जीनियस है। थानोस की सबसे डेंजरस एबिलिटी है उसका माइंड। यहाँ तक कि थानोस ने खुद ही इन्फिनिटी गंटलेट बनाया था कॉमिक्स में। अगर हम थानोस को ब्रूस बैनर से कंपेयर करें तो ब्रूस बैनर सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल पर ही है। इसके अलावा थानोस मैजिकल एबिलिटीज भी काफी अच्छे से यूज कर सकता है। अब हम बात करते हैं डूम्सडे के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। डूम्सडे की सबसे बड़ी पावर है उसकी यूनिक बॉडी जो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के साथ इवॉल्व हुई है, जिसकी वजह से वो हर अटैक से इम्यून हो जाता है। उसकी बॉडी डिफेंसिव नेचर की है, मतलब कि जितना ज्यादा डैमेज होगा उसकी बॉडी पर वो उतना ही ज्यादा खुद को मॉडिफाई करेगा डैमेज से बचने के लिए। उसके अलावा वो वुल्वरीन की तरह से हील हो सकता है। वो अटैक्स को इतनी जल्दी अडेप्ट
करता है कि वो आराम से खुद को उनके अगेंस्ट मॉडिफाई कर लेता है। जैसा कि हमने बैटमैन और सुपरमैन में देखा था, एक पॉइंट पर सुपरमैन की हीट बीम्स उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि क्रिप्टोनियन होने के बाद भी क्रिप्टोनाइट से इम्यून है। अगर हम बात करें उसके स्ट्रेंथ की, तो सुपरमैन और बाकी के क्रिप्टोनियंस जो सन से पावर लेते हैं उन्हें आराम से खत्म कर सकता है। वो लैंटर्न कॉप्स को भी ओवर पावर कर सकता है। उसके ऊपर डार्क साइड के ओमेगा बीम्स का कोई असर नहीं होता। वो वार्म होल्स, वैक्यूम और बड़े वॉर्टेक्स में भी जिंदा रह सकता है। उसे वाटर, ऑक्सीजन या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती खुद को जिंदा रखने के लिए। इसके अलावा डूम्सडे की सबसे बड़ी एबिलिटी है कि वो इमॉर्टल है। डूम्सडे कभी मर नहीं सकता, वो हमेशा रीजनरेट होता है और अपने पिछले वीकनेस से इवॉल्व हो सकता है। इसी इवोल्यूशन की वजह से वो अपने प्राइम फॉर्म में हर टाइप के वेपन्स या कॉस्मिक पावर से इम्यून हो चुका है। अब हम आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, दोनों कैरेक्टर्स की वीकनेस के ऊपर। थानोस की कोई खास फिजिकल वीकनेस नहीं है। वो किसी भी टाइप के एलिमेंट से डिपावर नहीं हो सकता, ना उसे किसी भी टाइप के मैजिकल एबिलिटीज ज्यादा अफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन कॉमिक्स में थानोस कई बार मर चुका है, जिसमें से एक बार ड्रैक्स ने खुद थानोस के चेस्ट में अपना हाथ आर पार कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्रैक्स को थानोस को मारने के लिए ही बनाया गया था। नॉर्मली ड्रैक्स उतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो थानोस के पास आता है उसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब ये कि थानोस काफी ड्यूरेबल है लेकिन इमॉर्टल नहीं। अगर इनफ स्ट्रेंथ हो तो थानोस को खत्म किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डूम्सडे के वीकनेस के बारे में। डूम्सडे एक इमॉर्टल बीइंग है, लेकिन फिर भी उसकी एक बहुत ही डेंजरस वीकनेस है, जो कि है एंट्रोपी, यानी कि एंड ऑफ। अगर डूम्सडे यूनिवर्स के एंड पर पहुंच जाए तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भी टाइम के साथ चलता है। अगर टाइम एक एंड में पहुंच गया तो वो इवॉल्व नहीं होगा और अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। इसके अलावा डूम्सडे इंटेलिजेंट बीइंग नहीं है, उसका होल पर्पस है सिर्फ और सिर्फ किल करना। तो इसका यूज करके उसे फूल किया जा सकता है और उसे किसी तरह के ट्रैप में फंसाया जा सकता है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा ट्रैप होगा जो डूम्सडे को होल्ड कर पाएगा। तो अब जब हम इन दोनों कैरेक्टर्स के लाइफ, पावर्स और वीकनेस को जान चुके हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए। इसमें काफी सारे पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि डूम्सडे अपने प्राइम फॉर्म में ना हो, मतलब कि अभी उसने डार्कसाइड या सुपरमैन जैसे पावरफुल बीइंग से फाइट ना किया, तो थानोस के अगेंस्ट उतना इम्यून नहीं होगा और थानोस बिना गंटलेट के भी डूम्सडे को खत्म कर देगा, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए, जब तक डूम्सडे वापस रिवाइव नहीं हो जाता। और दोबारा रिवाइव होने के बाद थानोस के लिए डूम्सडे काफी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा, लेकिन थानोस काफी इंटेलिजेंट बीइंग है तो डूम्सडे के लिए दोबारा रेडी रहेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी, थानोस के पास इन्फिनिटी गंटलेट हो। थानोस इन्फिनिटी गंटलेट के साथ गॉड से भी ऊपर आता है। थानोस बस सोच कर ही डूम्सडे के एक एक एटम को रियलिटी से ही हटा देगा, या फिर टाइमस्टोन का यूज करके एंट्रोपी में उसे पहुंचा देगा, या तो माइंडस्टोन का यूज करके वो उसे अपना गुलाम बना लेगा। बेसिकली थानोस विद इन्फिनिटी गंटलेट डूम्सडे का कोई चांस नहीं है, भले ही वो इमोर्टल हो। लेकिन थानोस पूरे कॉमिक्स में भी सिर्फ एक बार ही इन्फिनिटी गंटलेट का यूज किया है। इन्फिनिटी सागा स्टोरी के बाद लिविंग ट्रिब्यूनल सारे स्टोन्स को अनयूजेबल बना देता है, जिससे वापस कोई इतने बड़े पावर को अब्यूज न कर पाए। थर्ड पॉसिबिलिटी, डूम्सडे अपने प्राइम में हो और थानोस के पास गंटलेट ना हो। अब डूम्सडे एक गॉड लेवल बीइंग है, उसने सुपरमैन, डार्कसाइड, ग्रीन लैंटर्न सभी से फाइट कर लिया है और उन सभी के पावर से इम्यून है। अगर डूम्सडे अचानक से थानोस के पास पहुंच गया या थानोस अचानक से डूम्सडे के पास पहुंच गया, तो थानोस की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि थानोस अनप्रिपेयर्ड है। डूम्सडे के ऊपर किसी भी तरह का फिजिकल अटैक असर नहीं करेगा। सुपरमैन से पंच खाने के बाद वो इम्यून है, थानोस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेसिकली फाइट चलती रहेगी और ये शायद एंडलेस फाइट हो। अब थानोस के पास भी गॉड लेवल स्टैमिना है और डूम्सडे के पास भी। जो पहले थक जाएगा वो मारा जाएगा। नॉर्मली डूम्सडे एक महीने तक बिना रुके फाइट कर सकता है, उसने ऐसा किया भी है पहले। और थानोस इतने लंबे टाइम तक फाइट कर पाएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कंसिडर करें कि थानोस एक गॉड लेवल बीइंग है, तो मेरे हिसाब से ये मैच या तो ड्रॉ होगा या तो डूम्सडे थानोस को मार डालेगा, क्योंकि डूम्सडे इमॉर्टल है। तो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो थानोस वर्सेस डूम्सडे के ऊपर। आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। और भी ऐसे कई सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइस, दिस इज आरएस, प्ले ऑन।